माननीय रामनाथ ठाकुर जी 3 मिनट। माननीय उपसभापति महोदय, आपने इस विषय पर बोलने का समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले इस बिल का समर्थन करता हूँ। होम्योपैथिक मेडिकल साइंस की विद्या है और ये बीमारियों को लक्षण के आधार पर सुधार करने का काम करता है। मैं 2-3 सुझाव आपके बीच में रखना चाहता हूँ, सरकार के बीच में रखना चाहता हूँ। 2 वर्ष जो किया गया, क्यों किया गया, आपने इसके विषय में कुछ किधर है इधर उस विभाग के लोगों से पूछने का काम किया अथवा नहीं? 2 वर्षों का जो समय आपने बढ़ाया है, क्या आप 2 वर्षों में जो किए गए वादे हैं संशोधन के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से, उसको पूरा कर पाएंगे? इस पर आपको निश्चित रूप से, चूंकि 1 वर्ष आपने गंवाने का काम किया है, तो 2 वर्षों में ये सुविधा अनुसार जो आएंगे उसका निष्पादन करने का आप काम करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि होम्योपैथ कॉलेज की जो स्थिति है, उस स्थिति को आप सुधारने का काम करें, जो कागजी है उस पर लगाम लगाने का काम करें, और जो कॉलेज है होम्योपैथ में उसको प्रशासनिक के द्वारा अच्छे वातावरण में बनाने का काम करें और अच्छे प्रोफेसरों को उसमें लाने का काम करें, जिससे लोग उससे प्रभावित हो और अच्छे ज्ञान का हासिल कर सकें। मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब लोगों के लिए यह दवा, होम्योपैथिक दवा, बहुत सुलभ और सरल रूप में उपलब्ध हो सरकार के द्वारा, तो गरीब का हित ज़्यादा इसमें सधेगा। और जो भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार फैला है, उस पर आपकी तरफ से कार्रवाई समय सीमा के अंदर कब तक करेंगे, इसकी भी बात सुनिश्चित की जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान में जितने होम्योपैथ कॉलेज हैं, उस कॉलेजों की जनसंख्या अपने जानने की कोशिश की अथवा नहीं? उसमें कितने प्रोफेसर हैं, वो किस विधि से उसमें नियुक्त हुए हैं और वो काज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? होम्योपैथ में जो शोध हो रहा है, उस शोध में कितने लोग आगे आए हैं, उस शोध से कितने लोगों को फायदा पहुंचा है, इस पर आपने निगरानी की है कि नहीं की है, इसकी जानकारी ली है कि नहीं की है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट।